बच्चों को लग रहा है शायद की तैयारी वहां से ये भी करेंगे सारे काम में अंदर के बाइक पे घंटे लग गए तो बाइक भी अंदर ले आओ एक फोड़ करके लिए गेट के पास आ रहे हो शुरू करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ इस समय बिहार में है दिल्ली के नारायणा बिहार के अंदर में आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और पटेल नगर की तरफ से जो है वो यहाँ पर रन फॉर राम मैराथन की जो है वो यहाँ पर तैयारी चल रही है जो कि आप वीडियो के अंदर में देख रहे हैं। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो है वो मंच लगा हुआ है जिसके अंदर में यहाँ पर जो है माननीय व्यक्ति जो है वो लोग यहाँ पर अभी कुछ समय के अंदर में कुछ क्षणों में पहुँचने वाले हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद जो है वो लगातार हर साल की भांति जो है वो इस साल भी रामनवमी के उपलक्ष्य के अंदर में रन फॉर राम की जो है वो तैयार पर फर्स्ट प्राइज जो है वो 5100 रुपये है 2100 है और फिर उसके बाद में 1100 रुपये यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो प्राइज पर इस पूरे मंच को लेकर के यहाँ पर बच्चों के अंदर में उत्साहित है बच्चे की आज जो है हमें इसके अंदर में भाग लेने का जो है वो एक मौका मिला है। लेकिन वहीं पर जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं और तकरीबन में उम्र आप लगा सकते हैं अंदाजन में 8-9 साल की उम्र होगी 10 साल की उम्र होगी और उस छोटे से लेकर के और बड़े बच्चे जो इसके अंदर में भाग लेना चाहते हैं वो यहीं के अपने दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं हर साल की बात ही इस साल भी कुछ बच्चे हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुशील। सुशील कहाँ से कौन सी जगह से आए हो? नारायणा से। नारायणा से ही हो? यस सर। क्या कैसा लग रहा है आज आप लोग दौड़ में भाग ले रहे हो? हमें खुशी महसूस हो रही है। पहले भी आपने कभी लिया? नहीं। पहले कभी आपने भाग नहीं लिया? नहीं। फर्स्ट चांस ले रहे हो? यस। अपने स्कूल वगैरह के अंदर में लिया था आपने? हाँ लिया था। उसके अंदर में लिया था आप लोगों ने? क्या नाम है आपका? अंश पांडे। अंश पांडे कहाँ से हुआ? मैं यूपी से। यूपी से हो लेकिन दिल्ली में कहाँ रहते हो? नारायणा। नारायणा में ही रहते हो तो फर्स्ट चांस है आपका यहाँ पे दौड़ में भाग लेना। यस सर। पहले कभी आए हो? नो। इससे पहले कभी नहीं लिया? अच्छा लग रहा है। चलिए क्या नाम है बेटा आपका? यशवीर। उम्र कितनी है? 9 साल। 9 साल जैसा आप देख सकते हैं 9 साल 10 साल के बच्चे हैं जिसके अंदर में जो है कि लड़के भी हैं मेल और फीमेल जो हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं वहीं पे तमाम यहाँ पर बच्चे हैं बूढ़े लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है। आपने भी भाग नहीं लिया है क्या? नहीं। आपने नहीं लिया? आपने ड्रेस नहीं पहनी है ना इसलिए कह रहा हूँ। नहीं लिया आपने भाग? नहीं लिया। आपने भाग लिया है? हाँ। अच्छा आपको टी शर्ट के ऊपर में आपका ये नंबर लिखा हुआ है तो कैसा लग रहा है दौड़ लगाने में? लगेगा बच्चा? यस। हाँ चलिए और कितने किलोमीटर की दौड़ बताइए? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दौड़ है और आपको पूरी करनी है उसको। हाँ। तो आपातकालीन एक इमरजेंसी जो है मेडिकल के लिए जो है वो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे अगर कोई दिक्कत परेशानी हो किसी बच्चे को या किसी को तो वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकता है। वहीं पे मंच की जो है वो यहाँ से शुरुआत है। यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म के अंदर में जो है वो पूजा पाठ से ही जो है किसी भी चीज़ को जो है वो शुरुआत करी जाती है और आपके सामने यहाँ पर मैं भी जो है वो
पुष्प जो है वो अर्पण कर रहा हूँ भारत माता और बजरंग बली जी को। और अब इसी के साथ जो है ये प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पर जो रन फॉर राम के तहत जो यहाँ पे बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, प्लस उसके बाद में प्रांत के तमाम जो हैं वो अध्यक्ष और प्रांत के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि विख्यात है और पूरे देश के अंदर में जो है वो विश्व हिंदू परिषद का एक नाम है, और उसी विश्व हिंदू परिषद के तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर रखा गया हुआ है। तमाम आप देख सकते हैं प्रांत से तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं। क्या नाम है मैम आपका? एडवोकेट चंचल वर्मा। मैडम मुझे क्या कहना चाहेंगे आज को लेकर के, और बच्चों के अंदर में किस तरीके की आज उत्साहिता है और ये लगातार बनी रहे? बच्चे के आज बहुत बढ़िया उत्साहित है और ये देखने का बहुत अच्छा नज़ारा मिल रहा है 4 रन 4 में, और बढ़िया लग रहा है। हम लोग भी हम शामिल हुए हैं तो मुझे भी अच्छी लग रही है ये बात, और मुझे हर साल इस तरह होते रहे तो हम और खुशी वाली बात है। अभी आप इस साल पहली बार आए हैं? पहली, मैं फर्स्ट बार आई हूँ। आप यहाँ पे फर्स्ट बार? ऐसे जगह से आप यहाँ पे? दिल्ली? मैं यहाँ आई उत्तम नगर से। अच्छा, उत्तम नगर नाम है? नारायण नगर। उत्तम नगर से आप आए हैं? तमाम यहाँ पर जो है और भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लगातार जो है अब यहाँ से जो है वो कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ कर दिया गया है। इसके बाद से जो बच्चे हैं वो काफ़ी वहाँ पर आगे खड़े हैं, और उसके बाद से ये लोग दौड़ के लिए आगे निकलेंगे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आरोग्य भारती दिल्ली प्रांत के द्वारा जो है वो सभी को स्वागत करा गया है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट एड है और यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है वो दौड़ वगैरह करते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह का अगर कोई प्रोग्राम होता है या कहीं पे भी होता है तो उस जगह पे यहाँ पर जो है वो स्कूली बच्चे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपना आरोग्य भारती के द्वारा जो है वो दिल्ली प्रांत के द्वारा जो है वो यहाँ पर एक फर्स्ट एड का जो है वो बॉक्स रखा गया है, जिसके अंदर में अगर बच्चों को कभी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात होती है तो उसके अंदर में वो लोग जो है वो यहाँ पे फर्स्ट एड दे सकते हैं। रन फॉर राम की जो है वो बिल्कुल यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, मैराथन चल रहा है। यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, और यहाँ पर जो है वो बच्चे सभी लोग जो है दौड़ लगाने के लिए 4 किलोमीटर की जो इसकी यात्रा रखी गई है, 4 किलोमीटर तक आप लोगों को जो है वो दौड़ना है, और 4 किलोमीटर तक जो है उसके बाद में फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, और वहीं पे हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, और यहीं से जो है वो झंडी दिखाई जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो रेस जो प्रारंभ हो जाएगा। और ये देखने वाला एक ऐसा होगा सीन की जो सभी लोगों को इस समय जो है वो देखने को मिलेगा। आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से जो है बच्चे कितने उत्साहित हैं इस गेट के द्वारा जो है एक एक करके निकलेंगे यहाँ से बच्चे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है लगातार जो है वो बच्चे दौड़ते हुए 4 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हुए 4 किलोमीटर की दौड़ को जो है वो पूरा करेंगे। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उसको 5100 फर्स्ट प्राइज है, और सेकंड प्राइज 2100 रुपये, और थर्ड प्राइज जो है वो 1100 रुपये का जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और यहीं पर उस सिग्नल के बाद उसको तैयारी कर दी जाएगी, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बच्चे जो हैं वो इस समय बिल्कुल तैयार हैं और रेसिंग करने के लिए निकल चुके हैं बच्चे, और ये बहुत उत्साहित होते हुए बच्चे देखिए आप निकल चुके हैं। 4 किलोमीटर की यात्रा जो है उनके बच्चों की, 4 किलोमीटर की दौड़ जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, और बच्चे हैं और लगातार अब बच्चे जो निकल रहे हैं, तकरीबन में यहाँ पर 500 से 700 बच्चे जो हैं वो इस दौड़ के अंदर में भाग ले रहे हैं, और सभी जिसमें गर्ल्स हैं और जो है युवक हैं ये सभी जो हैं बच्चे वो यहाँ से निकलते हुए 4 किलोमीटर की यात्रा जो है वो अपनी पूरी करेंगे, 4 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी करेंगे। सबसे पहले इन लोगों के आगे जो है वो बाइकें चल रही हैं, जिसके अंदर में 2 से 4 बाइकें हैं जो इनको रास्ता देते हुए चलेंगी। अगर वहीं पर अगर यूं कहा जाए वो 4 बाइकें जो हैं उसके बाद में फिर बच्चे गए हैं, उसके बाद में फिर जो है वो जो 2-व्हीलर वगैरह है वो यहाँ से निकलेंगे, और देखेंगे बच्चों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, जिसकी वजह से एक वैन जो है वो एम्बुलेंस है वो भी इन लोगों के साथ में जो है वो आगे निकल चुकी है, इसीलिए कि अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत होती है तो उसका जो है वो समाधान करने के लिए एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर तैयार है। हमारे साथ में प्रांत से सर जुड़े हुए हैं, एक बार हम लोग आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर सबसे पहले तो अपना नाम अपना परिचय आप बताएं। कपिल खन्ना, प्रांत अध्यक्ष। सर आज के जो रन के जो बच्चों के बारे में जो हुआ है प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ आप आगे बताएं। बच्चों में उत्साह आपने देखा जी, बच्चे उत्साहित हैं जी। पिछले वर्ष रन फॉर राम किया था जी,
प्रभु राम का भव्य मंदिर बना लिया। भव्य मंदिर में राम लला विराजित हुए, अपनी आंखों से देखा, पहली आरती में सहभागिता की। बच्चे अब दुगनी उमंग के साथ में एक बार फिर जुट गए हैं, पूरे क्षेत्र को संदेश दे रहे हैं कि हमने रामत्व को अपने जीवन में उतार लिया है। रामत्व के संदेश को आप सबको पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने सभी स्वप्नों को पूर्ण करेंगे, विधर्मियों के कुकृत्यों को समाप्त करेंगे, इस धरा पे रहने वाले सभी रावणों का संहार करेंगे। इस संकल्प के साथ बच्चे आज रन फॉर राम में जुटे हैं। इसके अंदर में फर्स्ट प्राइज जो है वो 5100 रुपये और 2100 रुपये और 1100 रुपये ऐसा रखा गया है। बच्चे उत्साहित भी है कि हम फर्स्ट आए और उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो मिले। इनके परिजनों को क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे इसके ऊपर में अभी तक भाग नहीं लिए हैं लेकिन आगे चल करके उन बच्चों को भी प्रेरणा मिले, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने देश के बच्चों को? देश का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब बच्चे स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को हर रोज रन फॉर राम करना चाहिए। मेरा यही संदेश है सबके लिए, अपने बच्चों को घर से निकालो, मोबाइल फ़ोन टीवी से दूर ले जाकर पार्क में भेजिए, खेल के मैदानों में भेजिए। बच्चे सक्षम बने, बच्चे सुदृढ़ बने और देश का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे? यही कहेंगे बच्चों में बहुत उत्साह है जी, और इसी बहाने सब राममय हो जाएं जी। मुझे बस यही कहना। क्या कहना चाहिए? कि हमारा युवा आज इतना पिछले साल से काफ़ी आया है, तो इसका मतलब है कि वो जागरूक हो रहा है। हमारा युवा जागरूक हो रहा है और उनमें वो भावनाएं आ रही हैं, वो विचारधाराएं आ रही हैं जो हम उनके अंदर डालना चाहते हैं, और इस चीज़ को देख के बहुत खुशी हो रही है। और उनके जो परिजन लोग हैं जो, और वो उनको आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं तो पहले जो थे लोग रोकते थे अपने बच्चों को कि नहीं 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 पढ़ाई करो, ये करो वो करो, लेकिन वो उन्हें इस ऐसे चीज़ों में आने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं और आने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब हमारा समाज जागरूक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे? जागरूक करना है बच्चों को जी श्री रामचंद्र के बारे में, और उसमें दौड़ जोड़ दी गई है ताकि बच्चे उत्साहित होकर भाग लें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कार्यक्रम को लेकर, और बच्चों का उत्साहित जो है वो बहुत ज़्यादा है इस समय बच्चे। धन्यवाद। रन फॉर राम, यही तो राम, राम राज, राम स्वराज, राम की जो परिकल्पना हमारे हर एक एक बाल में, कहते ना हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, तो यही चरितार्थ करना है, यही पुरुषार्थ लाना है आज की नई पीढ़ी में। राम केवल एक नाम नहीं, राम तो अपने आप में एक यहाँ की संस्कृति है, हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति रहे राम। तो राम के जो विचार हैं, जो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम रहे हैं, वो हर आने वाली पीढ़ी उसको आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए आज का जो रन फॉर राम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा इसकी सफलता के लिए। और इस संपूर्ण जितने हमारे राष्ट्र में ये सब धरोहरें हैं, अगर राम का जो चरित्र है यही चल जाए तो हमारा देश जो है संपूर्णता पे फिर से प्राप्त कर लेगा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, और किस दृष्टि से आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर में जिस तरीके से उत्साहिता है, और बच्चे जो हैं वो अक्सर अपने घरों से निकल करके आज सुबह 6:30 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचे हैं इस फील्ड के ऊपर। जय श्री राम। आज की जो दौड़ प्रतियोगिता का जो मेन उद्देश्य है जी, वो है कि हमें अपना हिंदू नववर्ष का पूरी तरह से प्रचार करना है, कि लोगों को बताना कि भाई हमारा हर वर्ष हिंदू नववर्ष आता है, तो उसी उपलक्ष्य में आज ये दौड़ रखी गई है, और बच्चों में उत्साह पैदा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तब बच्चों को पता चले कि भाई हम लोग हर वर्ष विक्रमी संवत मनाते हैं चैत्र के महीने में, तो उसी लिए ये उसी के संदर्भ में ये दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो मैं सबको साधुवाद देता हूँ, जय श्री राम। कई दफा छोटे से एफर्ट में हम
हमारे मध्य में डॉक्टर अर्चना जी, अर्चना धवन जी हमारे दीदी, वो भी आई हुई है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी उपाध्यक्ष के लिए कहूँगा उनका स्वागत करूँगा। अरुणा जी के बारे में थोड़ा सा कम है बताया जो भी। अरुणा जी दुर्गा वाहिनी देखिए, दुर्गा वाहिनी हमारा मेन आयाम है और जो दीदी सेवा करे दीदी को तो खैर ये बहन भी आ जाए खड़ी थी हमारी कि कभी भी काम के लिए बोलो तो नैडा में जाके आस पास में कोई भी ध्यान से मना नहीं करते। तो दो मिनट तो पहले दीदी से बात करूँ कि वो भी अपनी बात रखेंगे और अरुणा जी भी रखेंगे, उसके बाद तीन चार दिन दो दो बार रेस दौड़ने के लिए आज रेस दो बार दौड़ी है। जीतना हारना सिस्टम से दौड़ना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एफर्ट करी, कोशिश करी और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने राम जी के लिए दौड़े। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और जो राम जी से कि जीवन से प्रेरणा आप ले सकते हैं और ले रहे हैं वो अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट जरूर करना और कोशिश करना कि उसी तरह से राम राज्य वापस लाए जैसे आपके मोदी जी चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे बहने हो या भाई हो, बिना ऊर्जा के हमारा कुछ भी कार्य संभव नहीं है। तो आपको ऐसे ही कार्य करना है जैसे आज आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हो, ऐसे ही कार्य करते रहिए और खेलते कूदते ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। फोटो भी ले लिए देते वक्त। फोटो ले लेंगे, ये तो पहले पिछली बार भी यही कर लिया। वो मेहनत होती और मेहनत की वो जितने भी बच्चे दोबारा भागे फिर अपने वही अपनी कैटेगरी लेके आए, वो चीज एक जो होती ना कि भाई मैं आ गया चाहते थे रूट के बैठा मुझे नहीं करना। इन लोगों ने बच्चों ने जो मेहनत दिखाई जो हिम्मत दिखाई वो वाकई में काफी जितनी तारीफ करेंगे जितनी बात करें उससे कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड प्राइज बाबू जी आ जाएंगे। तो काम की जितनी तारीफ करें उतनी करना। रवि जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, आगे होगा बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोगों का क्या है कहना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, अपने कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ, जय हिंद जय भारत।